बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने बनाया है आड़ू का शरबत। ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है और बड़ा ही अच्छा बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें दोस्तों, देखते हैं आड़ू का शरबत बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल टूरिज़म एंड फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू का शरबत बनाने के लिए मैंने 4 आड़ू लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से पहले काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोगों ने आड़ू जो है उसे काट लेना है। और गुठलियों को अलग-अलग निकाल लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आड़ू जो हैं वो अच्छे तरीके से काट लिए हैं। अब हम लोग चूल्हे में आग जलाते हैं और बाकी प्रोसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़गी को हम लोगों ने चूल्हे में चढ़ा लिया, इसमें हम लोग कटे हुए आड़ू डाल लेते हैं और हम लोग इसमें 2 ग्लास पानी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू जो हैं उनको अच्छे तरीके से पहले पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हसबे जायका चीनी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आड़ू पके हुए हों तो चीनी कम डालें, अगर थोड़े कच्चे हों तो चीनी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं चीनी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आड़ू जो हैं वो नरम हो चुके हैं। आप लोग चीनी जो है वो पानी बनाने के बाद भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू जो हैं वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं, अब हम इसे उतार के थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग देजगी को चूल्हे से उतार लेते हैं और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बाद में इन्हें हम लोग अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम लोग इसे ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। आप लोग हैंड ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राइंडर जार भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब छाननी की मदद से हम लोग इसे छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, छाननी की मदद से हम लोग इसे छान लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से इसे छान लेना है ताकि जो है हमारे पास जो गोदा है वो अलग-अलग निकल जाए और हमारे पास जो मज़ेदार पानी है वो अलग-अलग निकल जाए। अच्छे तरीके से छान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम लोग इस शरबत को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के लिए हम लोग इसमें बर्फ़ शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बर्फ शामिल करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।